नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, आज 4 मई इस वीडियो के तहत आज की शिक्षा विभाग डीपीसी से संबंधित आपको अपडेट दी जाएगी शिक्षा निदेशालय की ओर से। इसके अलावा और महत्वपूर्ण आदेश और सूचनाएं शिक्षा निदेशालय बीकानेर से संबंधित आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हर प्रकार की अपडेट के लिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए जान लेते हैं आज की शिक्षा विभाग डीपीसी संबंधित शिक्षा निदेशालय की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा निदेशालय से संबंधित कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ये कार्यालय आदेश जारी हुआ है। अधीनस्थ कार्यालयों अथवा संस्थापन से संबंधित कार्मिकों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्यक प्रश्न उपरांत प्राध्यापक एवं समकक्ष पदों पर कार्यरत कार्मिकों के उनके नाम के समक्ष कॉलम संख्या 10 में अंकित अनुसार संबंधित वर्षों की वरिष्ठता सूचियों में नामांकन विलोपन संशोधन और योग्यता अभिवृद्धि संबंधी प्रविष्टि का अंकन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आप देख सकते हैं शिक्षा निदेशालय बीकानेर संबंधित प्राध्यापक और समकक्ष पदों पर वरिष्ठता सूचियों में नामांकन विलोपन संशोधन और योग्यता अभिवृद्धि संबंधी प्रविष्टि। यहाँ पर इसमें सीनियरिटी नंबर, सीनियरिटी ईयर दिया हुआ, एम्प्लॉय का नाम और जिस सब्जेक्ट से है वो, एम्प्लॉय आईडी और लास्ट वाले कॉलम में आप देख सकते हैं रिमार्क्स, यानी कार्मिक योग्यता पीएचडी 2019 जोड़ी जाती है। ये योग्यता अभिवृद्धि संबंधित अपडेट है। इन कार्मिकों की लिस्ट आप वीडियो के स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको शिक्षा निदेशालय से संबंधित इस समय की दी जाएगी। ये टोटली जो है 12 कार्मिकों की लिस्ट जारी हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी डीपीसी राकेश माजुडल्ला बीकानेर, आप देख सकते हैं। अगले अपडेट है यहाँ पर शिक्षा निदेशालय से संबंधित। इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयन उपरांत प्राध्यापक स्कूल शिक्षा 2018 विषय हिंदी वेतन पे मैट्रिक लेवल L12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक क्या दिया हुआ है। निम्न 2017 दिनांक 9/12/2017 द्वारा राजस्थान सिविल पुनरीक्षित वेतन मान नियम 2017 के प्रावधान अंतर्गत 2 वर्ष का परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर अथवा विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किए गए अंकित 623 प्राध्यापकों को कार्यान्वयन करने के दिनांक से 2 वर्ष परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण किए जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इनका प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के पद पर स्थायीकरण किया गया है। तो साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित स्कूल शिक्षा 2018 सब्जेक्ट हिंदी से संबंधित कार्मिकों के यहाँ पर स्थायीकरण आदेश जारी हुए हैं। उनकी लिस्ट आपको वीडियो के स्क्रीन में दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं। हिंदी स्थायीकरण क्रम संख्या और स्थायीकरण की दिनांक लास्ट वाले कॉलम में देख सकते हैं। कार्यगण की तिथि दी हुई है, पदस्थापन स्थान, एम्प्लॉय आईडी और कार्मिक का नाम। तो ये फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 हिंदी स्थायीकरण आदेश आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको बताई जा रही है। इसके अलावा साथियों, इन सभी आदेशों की पीडीएफ सूचनाएं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और अगली अपडेट है यहाँ पर कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर संबंधित ये कार्यालय आदेश। कार्मिकों का उनके नाम के समूह का अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या 5 में उपस्थिति प्रमाण पत्र और अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संबंधित संस्था प्रधान इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। इस अवधि का वेतन भुगतान अथवा आहरण पूर्व में नहीं हुआ है और यह भी निर्देश किया जाता है कि जहां से वर्तमान वेतन भुगतान किया जा रहा है उसी स्थान से कार्मिक के बकाया डीए एरियर बोनस समर्पित अवकाश एसी पीरियड आदि का निमानुसार भुगतान किया जाए। तो ये भुगतान संबंधित अपडेट आप देख सकते हैं वेतन आरण को लेकर के इन कार्मिकों की लिस्ट। टोटली इसमें 37 कार्मिकों की लिस्ट जारी हुई है वेतन आरण को लेकर के। तो साथियों, ये 30 समय की शिक्षा विभाग से जुड़ी शिक्षा निदेशालय संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।